जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्री स्टेशन में। दोस्तों, आज से हम लोग एक नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं एसआर कांतवा का। जो भी एसआर कांतवा बुक में सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, उन सभी सब्जेक्ट को जो है एक एक करके हम लोग वीडियो के माध्यम से देखते हुए चलेंगे। चैनल पर अगर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है गुणनामी सब्जेक्ट, पहले हम लोग आज देखने वाले हैं। इसके बाद हम लोग एक एक करके सभी सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप हैज़ दी हाईएस्ट कल्टीवेटेड एरिया इन दी वर्ल्ड। देखिए, हम लोग फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। यहाँ पर ये वीडियो जो है ये रिवीजन पर्पज से ओनली बनाया जा रहा है। तो कौन सा क्रॉप है जो हाईएस्ट एरिया रखता है पूरे वर्ल्ड में? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइस इज ओरिजिनेटेड इन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडिया एंड बर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया इन राइस कल्टीवेशन इन द वर्ल्ड व्हिच इज अबाउट। देखिए, ये डेटा वाले क्वेश्चन जो हैं ये आप छोड़ चलेंगे, क्योंकि उस टाइम पर तो 45 मिलियन हेक्टेयर था, अभी प्रेजेंट टाइम पर चेंज हुआ है नहीं हुआ है इसको आप देख लेंगे एक बार सर्च करके। प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस इज हाइएस्ट इन, प्रोडक्टिविटी राइस की हाइएस्ट कहाँ है? पंजाब में थी और प्रेजेंट टाइम में भी है। जीनस ओराइजा इंक्लूड्स, तो ओराइजा जीनस में कितने स्पीसीज आते हैं? 24 स्पीसीज आते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वैरायटी व्हिच बिलोंग टू स्पीसीज ओराइजा ग्लैबेरियमा आर फाउंड इन, कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में पाया जाता है ओराइजा ग्लैबेरियमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइस वैरायटी ग्रोन इन इंडिया बिलोंग टू कौन सा, इंडिया में कौन सा ग्रो किया जाता है? तो इंडिका हो जाएगा। अगला है इंडोनेशिया में पूछा जा रहा है, तो इंडोनेशिया में आप बताएंगे ओराइजा सटाइवा जवानिका जो है ये इंडोनेशिया में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नॉन ट्रेडिशनल एरिया ऑफ राइस कल्टीवेशन इंक्लूड, तो राइस कल्टीवेशन का नॉन ट्रेडिशनल जो है मेथड कहाँ पर यूज करते हैं? पंजाब एंड हरियाणा राइट आंसर हो जाएगा। राइस इन्फ्लोरेशन इज नोन एज, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेनिकल। अगला क्वेश्चन है डिहल्ड राइस ग्रेन इज नोन एज ऑप्शन नंबर बी, ब्राउन राइस राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राइस क्रॉप को कैसा क्लाइमेट चाहिए? तो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। फॉर राइपिंग ऑफ राइस टेम्परेचर शुड लाई बिटवीन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो राइस राइपनिंग के लिए टेम्परेचर होना चाहिए। फोटो पीरियडिकली राइस इज अ टाइप ऑफ, कैसा प्लांट है? सर्डे प्लांट है। राइस कैसा प्लांट है? सर्डे प्लांट है। सोइंग टाइम ऑफ अस राइस की जब बात करते, देखिए अस अमन और बोरो, अब तीन टाइप के राइस का नाम सुने होंगे, अस अमन एंड बोरो। तो अस का जो सोइंग टाइम है वो मई जून है, अमन का जो है वो जून जुलाई है, और बोरो का जो है वो नवंबर दिसंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आ गया, बोरो आर डलुआ राइस इसका जो है सोइंग टाइम क्या है? तो नवंबर दिसंबर है। ऑप्टिमम पीएच ऑफ सॉइल फॉर राइस कल्टीवेशन वेरीज इन रेंज ऑफ 4 to 6 pH, 4 to 6 pH पर जो है वो ऑप्टिमम पीएच होता है राइस कल्टीवेशन के लिए। IR8 वैरायटी ऑफ राइस इज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फ्रॉम, IR8 जो है वो फिलीपींस से जो है इंट्रोड्यूस किया गया है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग वैरायटी इज ड्वार्फ म्यूटेंट, कौन सी ड्वार्फ म्यूटेंट वैरायटी है? तो जगन्नाथ जो है ये ड्वार्फ म्यूटेंट वैरायटी है। सीड रेट ऑफ राइस कल्टीवेशन इन ब्रॉडकास्टिंग एंड ड्रिलिंग मेथड रिस्पेक्टिवली शुड बी, अगर ब्रॉडकास्टिंग की बात करते हैं तो 100 kg एंड ड्रिल मेथड करते हैं तो 60 kg, यानी सीड ड्रिल से 60 kg और ब्रॉडकास्टिंग से 100 kg पर हेक्टेयर सीड रेट लगता है। फॉर ट्रांसप्लांटिंग 1 hectare एरिया ऑफ राइस हाउ मच एरिया इज सफिशियंट फॉर नर्सरी रेजिंग, राइट आंसर हो जाएगा 1000 square meter। डेपोक मेथड ऑफ रेजिंग नर्सरी ऑफ राइस हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फ्रॉम, डेपोक मेथड की बात करते हैं तो फिलीपींस मनीला से जो है इंट्रोड्यूस किया गया है इंडिया में।
इन वेट वेट मेथड ऑफ नर्सरी रेजिंग ऑफ राइस सीडलिंग वुड बी रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग एट एन एज ऑफ, अगर वेट वेट मेथड की बात करते हैं, वेट वेट मेथड में 20 to 25 days जो है वो ट्रांसप्लांट के लिए लगते हैं। और वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं डायपोग मेथड की, तो डायपोग मेथड की बात करते हैं, डायपोग मेथड में जो है वो 11 to 14 days लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोपानिल हर्बिसाइड शुड बी अप्लाइड इन राइस आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, ट्रांसप्लांटिंग के 6 to 8 days आफ्टर जो है वो लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, द क्रेशक अकर्स इन अर्ली स्टेज ऑफ प्लांट ग्रोथ ऑफ राइस इन, BLB में जो है वो क्रेशक जो है वो बनते हैं अर्ली स्टेज प्लांट ग्रोथ के, अर्ली स्टेज में क्रेशक जो है फॉर्मेशन होता है किसमें, BLB में, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट में। टुंगरो वायरस ऑफ राइस इज ट्रांसमिटेड बाय, टुंगरो वायरस की बात करते हैं तो ग्रीन लीफ हॉपर के द्वारा ट्रांसमिट होता है। डेड हर्ट एंड व्हाइट हेड डैमेज टू राइस इज कॉज्ड बाय, अगर डेड हर्ट और व्हाइट हेड डैमेज की बात करते हैं तो ये बनता है स्टेम बोरर में सिम्टम जो है वह दिखाई देते हैं। सिल्वरी सूट और ओनियन लीफ सिम्टम ऑफ राइस टिलर इज कॉज्ड बाय, अगर सिल्वरी सूट की बात करते हैं तो गाल मिर्च जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रासी स्टंट वायरस डिजीज ऑफ राइस इज ट्रांसमिटेड बाय, ग्रासी स्टंट की बात करते हैं तो ब्राउन प्लांट हॉपर राइट आंसर हो जाएगा। ट्रांसमिट किससे होता है, ब्राउन यानी कि BPH जिसको बोलते हैं, ब्राउन प्लांट हॉपर के द्वारा ट्रांसमिट होता है। गंधी बग इंसेक्ट अटैक ऑन राइस ड्यूरिंग, गंधी बग जो है वो कब अटैक करता है, मिल्किंग स्टेज पर अटैक करता है। टेस्ट वेट ऑफ बासमती राइस की टेस्ट वेट की बात करते हैं 21 ग्राम होता है। वहीं पर बात करें अगर ओराइजस टाइपा इज अ डिप्लॉयड स्पीसीज हैविंग, ओराइजस टाइपा जो है वो कितना क्रोमोसोम उसमें होता है, 24 राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर डॉर्फिंग करेक्टर्स इन राइस इज, राइस में डॉर्फिंग करेक्टर के लिए DGU जीन राइट आंसर हो जाएगा। गोल्डन राइस इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन एट का इसका राइस आंसर हो जाएगा। आइडिया ऑफ सुपर राइस वाज गिवन बाय, सुपर राइस की बात करते हैं तो GS खुद जो है इन्होंने आइडिया इंट्रोड्यूस किया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर विद इफेक्ट फ्रॉम, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1977 से जो है ये सब्सिडी फर्टिलाइजर पर स्टार्ट किया था इंडिया गवर्नमेंट ने। साइंटिफिक नेम ऑफ कॉमन ब्रेड व्हीट, तो कॉमन ब्रेड व्हीट की बात करते हैं तो चिटकम एस्टिबम इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉमन ब्रेड व्हीट का। अगला है, इंडियन ड्वार्फ व्हीट बिलोंग टू, इंडियन ड्वार्फ व्हीट की बात करते हैं, जब इंडियन व्हीट की बात करते हैं तो इसका हो जाएगा टिटकम स्पेरोकोकम, राइट आंसर हो जाएगा टिटकम स्पेरोकोकम। सेलेक्ट द पेयर व्हिच इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ईमा व्हीट का साइंटिफिक नेम टिटकम डाइकोकम, मार्कोनी व्हीट का टिटकम ड्यूरम, मैक्सिमम व्हीट का टिटकम एस्टिवम और इंडियन ड्वार्फ व्हीट का टिटकम बल्गेरिया नहीं होता है, यहाँ पर आपने देखा टिटकम स्पेरोकोकम होता है। व्हीट इज ओरिजिनेटेड इन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया टर्की जो है स्पेसिफिक प्लेस अगर हम लोग बात करते हैं तो। कॉमन ब्रेड व्हीट जो होता है वो कैसा होता है, हेक्साप्लॉयड होता है। ड्वार्फ व्हीट इज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाई, ड्वार्फ व्हीट जो है वो इंडिया में किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, डॉक्टर एनी बोरलॉग के द्वारा। मैक्सिमम एरिया व्हीट के अंडर में बात करते हैं तो USA इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पर बात करें व्हिच कंट्री रैंक सेकेंड इन व्हीट प्रोडक्शन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट व्हीट वैरायटी हैविंग शॉर्ट प्लांट हाइट लॉजिंग रेजिस्टेंट एंड हायर ग्रेन यील्ड वाज, इसका राइट आंसर हो जाएगा व्हीट की जो बात करते हैं तो Norrington जीन हो जाएगा। अगला है, टेम्परेचर रिक्वायरमेंट फॉर प्रॉपर ग्रेन फिलिंग ऑफ व्हीट इज, व्हीट की जब बात करते हैं टेम्परेचर रिक्वायरमेंट प्रॉपर, जब बात करते हैं प्रॉपर ग्रेन फिलिंग की
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला इन्फ्लोरेसेंस ऑफ व्हीट इज नोन एज, इसका राइट आंसर हो जाएगा ईयर। नॉर्मल सीड रेट ऑफ व्हीट इज 100 केजी पर हेक्टेयर, ये ब्रॉडकास्टिंग मेथड से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हीट क्रॉप यील्डिंग 50 क्विंटल्स ऑफ ग्रेन पर हेक्टेयर रिमूव्स एनपीके केजी पर हेक्टेयर रिस्पेक्टिवली, इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 to 150, 70 to 80 एंड 125 to 150 केजी रिस्पेक्टिवली एनपीके। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे आज के 50 क्वेश्चंस एग्रोनॉमी सब्जेक्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, देखेंगे, डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसा लगा आप सभी को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।